लेसन नंबर फोर को जानने के लिए नेशापुर के गांव हमें गजाला में जाना पड़ेगा। नेशापुर को ये गांव जिसको गजाला के नाम से जाना जाता है, ये स्टूडेंट्स के लिए जानना बड़ा जरूरी है। ये कहानी, ये जिंदगी का ये सबक जानने के लिए, अगर यंग हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इस सबक को भूलना नहीं है आपने। नेशापुर के इस गाँव गजाला का एक बच्चा है। तारीख बताती है उस बच्चे की ट्रेजिडी थी। गरीब था, उसका सिर्फ सितम क्या था, वो डेरे का बच्चा नहीं था, किसी बिजनेसमैन का बच्चा नहीं था, गरीब का बच्चा था, लेकिन इलम सीखना चाहता था, तालिब इलम था, उसका शौक था कि मुझे कुछ सिखाए। एक दिन उस बच्चे को इतला मिलती है कि आपके कस्बे में, गजाला गांव में, एक वक्त का जो उस्ताद है, आलिम है, वो पढ़ाने आता है। उस बच्चे ने कहा कहाँ आता है, तो पता लगा रईस के घर में आता है। वो रईस ज्यादा था, उसको पढ़ाने आता था, वो अमीर शख्स था। उसने अब क्या किया, जैसे बच्चे के पास जेब में पैसे ना हो तो कौन वाला आइसक्रीम वाला है तो उसकी हालत क्या होती है, वो बड़ी हसरत से कौन वाले को दे, खरीद नहीं सकता। इस बच्चे की हालत भी उस्ताद के लिए ऐसी। उस्ताद घोड़े पे आता था, 6 किलोमीटर दूर गांव था, उस्ताद को हसरत से देखता था, ये इलम वाला ये है तो मैंने इससे सीखना है। कुछ दिनों के बाद उस्ताद ने घोड़ा रोका और उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या देखते हो? उसने कहा, जी उस्ताद मोहतरम, अगर आप उस्ताद हैं तो मेरा नाम शागिर्द है, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा, बेटा मैं सुबह आता हूँ, शाम को पढ़ा के जाता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, क्योंकि उस जमाने में होम ट्यूशन नहीं होती थी सर, एक ही टीचर होता था, एक ही स्टूडेंट होता था, तदरीस बड़ी रेयर थी, बादशाहों के बच्चों को तालीम मिलती थी, फकीर का बच्चा सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, उस्ताद मोहतरम मेरे पास एक इसका हल है। उस्ताद ने कहा, क्या हल है? घोड़े पर बैठा उस्ताद, नीचे खड़ा 9 साल का बच्चा, गजाला गाँव का गरीब बच्चा। उसने कहा, हल ये है कि मेरे सवाल हैं, अगर आप इजाजत दें, जब आप घोड़े पे वापस अपने घर गांव जा रहे होते हैं तो मैं आपसे सवाल कर लिया करूं। कितना सादा सा मासूम सा सवाल है। उस्ताद ने कहा, ठीक है, डील डन, मैं वापस जाऊंगा, तुम सवाल करना। अब उस्ताद ने सोचा होगा, मेरी तरह का उस्ताद होगा ना, उसने सोचा होगा कितने को सवाल होंगे, सवाल कितने को हो सकते हैं, 5-6-4 सवाल होंगे, सवाल खत्म हो जाते हैं, तो सवाल थोड़े होंगे। उसने कहा, ठीक है बेटा, इजाजत है। नहीं सर, तारीख बताती है कि पहला दिन जब था, उस्ताद घोड़े पे वापस जा रहा है तो शागिर्द ने पहला सवाल पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा, 6 किलोमीटर खत्म हो गए, सवाल खत्म नहीं हुए। वेरी नेक्स्ट डे फिर 6 किलोमीटर खत्म हो गए, सवाल खत्म नहीं हुए। तारीख बताती है कि ये गांव का गरीब बच्चा 6 साल पैदल चल के घोड़े पे बुजुर्ग उस्ताद से सवाल पूछता रहा। आज इस बच्चे को दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है। और इमाम गजाली ने इस छोटे से वाक्य से एक सबक दे दिया हमें, सबक दे दिया कि बेटा मुफ्त कुछ नहीं है, जो कीमत अदा करता है नाम वही पाता है। अगर इज्जत वाला बनना है, नाम वाला बनना है, इल्म वाला बनना है, मकाम वाला बनना है, तो उसके लिए प्राइस पे कीजिए। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। पीपल सेज दैट भीग तो मुफ्त की मिलती है ना सर, मैं कहता हूं भाई उसके लिए भी इज्जत नफ्स गंवानी पड़ती है। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, आपको कुछ हासिल करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और अगर इलम हासिल करना है तो इलम की कीमत अदा करो, वो रातें जाग के करना है, वो मेहनत करके टीचर के घर तक पैदल जाना है, वो आपको सुबह सुबह उठ के किताबें खोलनी है, वो दिन रात एक करना है, लेकिन कीमत अदा किए बगैर जिंदगी आपको कुछ देती नहीं है ना।